सेक्शन 170 रिफंड्स जो हमारा डील करता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, तो लेट्स क्विकली गो थ्रू इट. सब सेक्शन 1 स्टेट्स अ टैक्सपेयर हु हैज पेड टैक्स इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट व्हिच द टैक्सपेयर इज प्रॉपरली चार्जेबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस. तो रिफंड कब आपका ड्यू होना है कि आपका टैक्स जो चार्ज होना था वो 100 रुपीज होना था, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर या फॉर सम अदर रीजन आपका 100 रुपीज से ज्यादा गवर्नमेंट की किटी में चला गया है, तो जो एक्सेस अमाउंट गया है दैट अमाउंट नीड्स टू बी रिफंडेड. 100 रुपीज कटना था, 130 चला गया, 140 चला गया, ओवर एंड अबव 100 रुपीज आपका 30-40 आपने गवर्नमेंट ने आपको रिफंड करना है. अ टैक्सपेयर हु हैज पेड टैक्स इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट विद द टैक्सपेयर इज प्रॉपरली चार्जेबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस. ये नहीं कि आप कहेंगे जी मेरा सेल टैक्स का ज्यादा चला गया तो इनकम टैक्स की साइड से दे दें अपना, वो आपको प्रोहिबिट कर रहा है कि नहीं जी जो इस ऑर्डिनेंस के तहत गया है सर वही मैं आपको रिफंड करूंगा. ही मे अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर रिफंड ऑफ द एक्सेस, लफज मे लिखा हुआ है लेकिन इट शुड बी इंटरप्रेटेड एज शेल. जब तक वो अप्लाई नहीं करेगा ऑटोमेटिकली उसका रिफंड ड्यू नहीं होता, तो मे इज टू बी रेड एज शेल. अच्छा जी, वन ए क्या कहता है, वेयर एनी एडवांस और लोन टू विच सब क्लॉज ई ऑफ क्लॉज 19 ऑफ सेक्शन 2 अप्लाइज. ये अगर आप वहां पे देखेंगे तो यहां पर ये सब सेक्शन आपके पास बुक है, किसी के पास आप एक सेकंड, अनम है आपके पास ऑफिस में बुक? सर वो अभी अपडेटेड नहीं है सर. नहीं नहीं, ये पुरानी है अपना, पुरानी है, पुरानी बुक है, आप ले आइएगा, ले आए आप. When any advance or loan to which subclause E of clause 19 of section 2 applies is repaid by a taxpayer, he shall be entitled to a refund of the tax, if any, paid by him as a result of such advance or loan having been treated as dividend under the aforesaid provision. अगर हम देख लें इसको, let me figure it out कि अगर वहाँ से ordinance available है यहाँ पे, तो जो आप by loan और advance देते हैं उसको वो bonus treat करता है. अच्छा जी, क्लॉज 19 आपकी डेफिनेशन सेक्शन की क्या कहती है, डिविडेंड इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड बाय प्राइवेट कंपनी और ट्रस्ट ऑफ एनी सम वेदर एज रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी और ट्रस्ट और अदरवाइज बाय वे ऑफ एडवांस और लोन टू अ शेयर होल्डर और एनी पेमेंट बाय सच कंपनी और ट्रस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ एनी सच शेयर होल्डर. तो इन अमाउंट्स को भी उसने कि जी आप डिविडेंड, पहले ये लोग इस तरह लोन दे के बेनिफिट दे देते थे शेयर होल्डर को और उसको कंसिडर करते थे कि जी हमने तो डिविडेंड नहीं दिया इसलिए हमें वहां पर डिविडेंड पर टैक्स नहीं काटना, तो उसको उसने वहां पर कवर किया डिविडेंड की डेफिनेशन में. लेकिन ऐसी ट्रांजेक्शन जो वाकई लोन या एडवांस थी अपनी नेचर में और अल्टीमेटली दे वर पेड बैक, तो फिर उसने कहा कि चूंकि वो लोन और एडवांस ही निकला दैट वाज नॉट इन द नेचर ऑफ डिविडेंड, यहां पे डील डिविडेंड है वो, तो उसमें उसने कहा कि आप वहां पर उसका रिफंड फिर ले सकते हैं अपना, राइट. अच्छा जी,
तो वन ए डील उसको कर रहा था वेयर एनी एडवांस और लोन टू विद सब क्लॉज ई ऑफ क्लॉज 19 ऑफ सेक्शन 2 अप्लाइज इज रीपेड बाय टैक्स पेयर ही शैल बी एंटाइटल्ड टू अ रिफंड ऑफ द टैक्स इफ एनी पेड बाय हिम एज अ रिजल्ट ऑफ सच एडवांस और लोन हैविंग बीन ट्रीटेड एज डिविडेंड अंडर अफोरसेड प्रोविजंस इफ दैट अमाउंट इज पेड बैक तो उसने आपको उसका रिफंड की एंटाइटलमेंट यहां पे क्रिएट कर दी। अच्छा जी नेक्स्ट आपका सबसेक्शन 2 कहता है कि जो डील करता है सबसेक्शन 1 से कि द टैक्स पेयर मे अप्लाई अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशंस है एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी नंबर 1 मेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म वेयर एवर द वर्ड प्रिस्क्राइब्ड इज रिटन वहां पे कोई ना कोई रूल्स के अंदर उसके लिए कोई प्रोसेस प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड होगा तो वर्ड जहां भी प्रिस्क्राइब्ड आएगा गो टू द इनकम टैक्स रूल्स कंट्रोल ऑफ करके वहां पे कंसर्न वर्ड्स आप डालेंगे तो कुछ ना कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड मेड विद इन 3 years ऑफ द लेटर ऑफ पहले शायद 2 साल था अब उन्होंने फाइनेंस एक्ट 2016 एंड 17 से इसकी लिमिट 3 साल तक कर दी है मेड विद इन 3 years ऑफ द लेटर ऑफ द डेट ऑन विच द कमिश्नर हैज इशूड द असेसमेंट ऑर्डर टू द टैक्स पेयर फॉर द टैक्स ईयर टू विच द रिफंड एप्लीकेशन रिलेट्स और द डेट ऑन विच द टैक्स वॉज पेड कि विद इन 3 years ऑफ दैट अगर आपने फाइल की है तो हम एंटरटेन करेंगे अदरवाइज हम आपको नहीं एंटरटेन करते। अच्छा वो अलग बात है कि कई केसेस के अंदर कोर्ट्स हायर कोर्ट्स जो हैं वहाँ पे उसको वो डायरेक्टरी वर्सेस मैंडेटरी की डिस्कशन में चले जाते हैं लेकिन हम इसको एज पर लॉ चूंकि लॉ में एक्सप्लिसिटली मैंशन है तो हम इसको अकोमोडेट नहीं करते अगर अपीलेट फोरस में वहाँ से अगर वो रिलीफ दे देते तो वेल एंड गुड। अच्छा जी प्रिस्क्राइब किया जी प्रिस्क्राइब फॉर्म इज इन टर्म्स ऑफ रूल्स 73(2)(e) ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स इसको भी हम वहां पे भी देखते हैं ये नीचे कट पेस्ट है सबसेक्शन 3 कहते हैं वेयर द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट द टैक्स हैज बीन ओवरपेड। अच्छा ये जो सेटिस्फेक्शन है इसी के ऊपर हमारा ये सारे लेक्चर की डिबेट है कि आपने सेटिस्फाई है होना कैसे है इट इज नॉट लाइक दिस के जनाब आपके पास एक टैक्स पेयर आया आपने उसकी शक्ल देखी उसके पेपर्स देखे और आप सेटिस्फाई हो गए कि नहीं यार अपेरेंटली सीम्स टू बी अ जेंटलमैन कंपनी का नाम भी बड़ा रेपुटेड है तो इनका जरूर टैक्स ज़्यादा ही पे हुआ होगा तो उनको हम रिफंड कर देते हैं और एक दूसरा आया आपने उसकी शक्ल देखी और आपने कहा नहीं यार ही अपीयर्स टू बी अ क्रूक पर्सन और ये कंपनी की रेपुटेशन भी अच्छी नहीं इसको नहीं देना तो दिस सेटिस्फेक्शन इज नॉट विदाउट एनी रैशनल और लॉजिक ये डिस्क्रिप्शन जरूर है आपकी कि यू आर सेटिस्फाइड और नॉट बट दिस सेटिस्फेक्शन हैज टू बी विद इन सर्टन पैरामीटर्स और उन्हीं पैरामीटर्स को हम देखेंगे कि वो क्या पैरामीटर्स हैं जिस पे आप चेक करके ये सेटिस्फाई हो जाते हो कि यस द टैक्स हैज बीन ओवरपेड एंड एज पर लॉ द रिफंड इज ड्यू टू द टैक्स पेयर तो उसकी हम डिटेल्स देखेंगे वो किस तरह आप सेटिस्फाई होते हैं वेयर द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड द टैक्स हैज बीन ओवरपेड द कमिश्नर शैल ए apply the excess in deduction of any other tax due from the taxpayer under this ordinance यानी कि जो excess amount है उसमें से अगर कोई due amount है आपका कोई area demand है current demand है under this ordinance उसको आप काट लें और फिर आप tax दे दें और ये बड़ी important clause है इसी के लिए आप जब refund issue करते हैं तो आपसे certificate लेते हैं कि जी कोई current या area demand इस केस में पेंडिंग नहीं है क्योंकि लॉ आपको कह रहा है कि अप्लाई द एक्सेस इन रिडक्शन ऑफ एनी अदर टैक्स ड्यू फ्रॉम द टैक्स पेयर सेकेंडली अप्लाई द आफ्टर दिस अप्लाई द बैलेंस ऑफ एक्सेस इफ एनी इन रिडक्शन ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर टू पे अदर टैक्सेस व्हिच आर नॉट अंडर दिस ऑर्डिनेंस या सेल टैक्स का है कोई इनकम फेडरल एक्साइज का है या कोई कस्टम वालों ने आपको लिख के भेजा हुआ है अपना राइट ये फाइनेंस एक्ट वर्ड जो 3 थे 3 years थे ये 2 से सब्सटीट्यूट हुए थे 2016 तक था एंड आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2016 दैट इज फॉर टैक्स ईयर 2017 आपका 3 years की लिमिट आ गई थी रिफंड द रिमाइंडर इफ एनी टू द टैक्स पेयर सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है आपका जी द कमिश्नर शैल अब ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर FTO हरकत में आ जाता है इफ यू डोंट अकोमोडेट द टैक्स पेयर आप उसकी डिसीजन पे नहीं करते The commissioner shall within 60 days of the receipt of a refund application under subsection 1 serve on the person applying for the refund an order in writing of the decision after providing the taxpayer of an opportunity of being
हर्ड कि विद इन 60 डेज, पहले शायद 45 होता था, बाद में उन्होंने चेंज करके 60 कर दिया, कि विद इन 60 डेज यू हैव टू मेक एन ऑर्डर, इधर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. लेकिन ये नहीं है कि यू कैन नॉट कीप इट इन लिम्बो. इफ इट गोज बियॉन्ड 60 डेज देन वॉट, वो अभी हम आगे देखते हैं कि कुछ हो सकता है कि नहीं, लेकिन एफटीओ फॉरन अगर टैक्स पेयर उसके पास चला जाए और मैल एडमिनिस्ट्रेशन इन एफिशिएंसी आपकी वहां पे फाइल करे आपके अगेंस्ट कंप्लेंट के, जी मेरे 70 डेज हो गए, 80 डेज हो गए, 90 डेज हो गए, एक्शन ही कोई नहीं ले रहे, बताएं मुझे अपना. अच्छा, जहां पर आपने रिफंड उसको इशू करना, ऑब्वियसली वहां पे अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जहां पर आप रिफंड रिजेक्ट कर रहे हैं या उसका रिफंड रिड्यूस कर रहे हैं, तो जनरली एन ऑर्डर इन राइटिंग आफ्टर प्रोवाइडिंग द टैक्स पेयर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. ठीक है, क्या नाम था आपका बेटा? तो अनम, वो हम जब आप गई थी तो उस वक्त हम पढ़ रहे थे कि वो जो उसने ऊपर डिस्कशन की हुई थी सबसेक्शन 2 के अंदर, कि जी ऐसी अमाउंट जो लोन और एडवांस के तौर पे लिमिटेड कंपनीज अपने टैक्स पेयर को दे देती हैं, तो सेक्शन डेफिनेशन सेक्शन 2 की क्लॉज 19 के तहत वो कहता है कि जी उसको हम डिविडेंड ट्रीट करते थे, एंड वंस ट्रीटेड एज डिविडेंड द टैक्स हैज टू बी विदहेल्ड बाय द कंपनी. लेकिन इट वॉज अ डीलिंग क्लॉज कि जनाब ये वो फ्रॉड शायद करती है टैक्स पेयर्स के साथ, अपना गवर्नमेंट के साथ, किस तरह बाय वे ऑफ लोन और एडवांस वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर. लेकिन जिन केसेस में उनकी नेचर वाकई लोन और एडवांस थी और वो पैसे वापस आ गए, तो उन्होंने कहा जी ठीक है उससे रिलेटेड फिर जो अमाउंट था वो आपको रिफंड कर देंगे. नीचे फिर जब हम आए तो हमने कहा कि जी फर्स्ट कंडीशन जो आपकी, इसके बाद था ये कि जी एप्लीकेशन जो है आपने रिफंड ही मे अप्लाई, तो अप्लाई करने की कंडीशन क्या है कि एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म में होनी चाहिए. प्रिस्क्राइब फॉर्म क्या है वो भी हम देखते हैं, वेरीफाइड इन प्रिस्क्राइब मैनर एंड मेड विद इन 3 ईयर्स, के पहले ये 2 साल था, अब विद इन 3 ईयर्स ऑफ द डेट ऑन विच द कमिश्नर हैज इशूड द असेसमेंट ऑर्डर टू द टैक्स पेयर और द डेट ऑन विच द टैक्स वॉज पेड. इससे रिलेटेड थोड़ी सी चीज आगे भी देखते हैं. प्रिस्क्राइब फॉर्म आपका रूल 73 है ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स, उधर आप देखेंगे कि प्रिस्क्राइब फॉर्म में उसने भेजी है या नहीं भेजी. वेयर द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड, और ये वो सेटिस्फेक्शन है जो आज के लेक्चर का टॉपिक है, कि वो सेटिस्फाई कहां से अपना होगा, कि किन चीजों को चेक करेगा और वो सेटिस्फाई होगा कि रिफंड एक्सेस में आ गया. और अगर आ गया तो एक्सेस जो है वो इन रिडक्शन ऑफ एनी अदर टैक्स ड्यू, कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग करंट या एरिया डिमांड नहीं है तो वो पे कर देगा, अदरवाइज वो माइनस करके बाकी अमाउंट पे करेगा अंडर दिस ऑर्डिनेंस. अगर इसके बाद फिर भी पैसे बच जाते हैं और फिर दूसरे किसी एक्ट के तहत आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है, फेडरल एक्साइज एक्ट है, सेल टैक्स है, या फिर कस्टम वालों ने लिख के भेजा हुआ, तो बाकी अमाउंट माइनस करेंगे और रिमेनिंग रिफंड आप उसको पे कर देंगे. सर ये फेडरल टैक्स लायबिलिटीज ही हैं मतलब, या प्रोविंशियल भी अगर कोई लायबिलिटीज है तो वो भी आ सकते हैं, बी क्लॉज है वो लॉ के तहत जो है ना, देखो उसने लिखा हुआ है किधर गया, इफ एनी इन रिडक्शन ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर टू पे अदर टैक्सेस. अब अदर टैक्सेस इस ऑर्डिनेंस के तहत नहीं है, किसी और के तहत, जिस तरह कस्टम्स वाले आपको लिख के भेज देते हैं तो आप उसको. अच्छा जी, द कमिश्नर शैल विद इन 60 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ रिफंड. अच्छा, इसमें एक झगड़ा इसमें डाल सकता है, अगर मैं टू बी डेविल्स एडवोकेट यहां पर लफज लिखा हुआ है टू पे अदर टैक्सेस, कि मैं अगर वो झगड़ा डाल दूं कि जी फलानी चीज जो है वो इन द नेचर ऑफ टैक्सेस नहीं है, वो टैक्स के तौर पर क्लासीफाई नहीं हो सकती, और वहां पर अगर मेरे पास कोर्ट डिसीजंस हैं कि जी नहीं ये चीज टैक्स नहीं है, इट्स अ गवर्नमेंट लेवी बट नॉट इन द नेचर ऑफ टैक्स, तो फिर वो उसको कंटेस्ट कर सकता है कि जी आप इसको यहां पर माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ने यहां पे वर्ड टैक्सेस किया है, तो वट एवर हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट इट हैज टू बी इन द नेचर ऑफ टैक्स, अदरवाइज उसको वो लीगली कंटेस्ट कर सकता है अपना. अच्छा जी, द कमिश्नर शैल विद इन 60 डेज, पहले 45 डेज था, आपने उस पर डिसीजन लेना है, नहीं लेंगे तो वो एफटीओ के पास जाएगा या एक और भी उसके पास अपॉर्चुनिटी, वो देखते हैं. अ पर्सन, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, After providing the opportunity of being heard, favorable decision दे रहे हैं, opportunity नहीं दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Unfavorable decision, that is you are reducing the refund or rejecting the refund. अगर आप refund reduce भी कर रहे हैं तो आपने ये opportunity उसको देनी है, जो कि अमूमन नहीं दी जाती, लेकिन उसका right है, जहां पर substantial right किसी का damage हो,
सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जनाब इवन इफ इट इज नॉट मेंशन कि आपने उसको अपॉर्चुनिटी देनी है, इट शुड बी रेड इनटू द स्टैट्यूट बुक कि जी आपने उसको अपॉर्चुनिटी देनी है जहां भी किसी का वेस्टेड राइट डैमेज हो रहा हो. एनी वे अ पर्सन एग्रीव एन ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 4 यानी कि आपने रिजेक्ट कर दिया या रिड्यूस कर दिया है और द फेलियर ऑफ द कमिश्नर टू पास एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 4 कि यहां तो आप उसके ऑर्डर से एग्रीव है या कमिश्नर साहब इन एक्शन के माहिर हैं, वो बैठ गए आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, कुछ डिसीजन ही नहीं ले रहे. तो इन गुड ओल्ड डेज कई दफा बस वो आपकी पेंडेंसी रहती थी. तो क्या है अंडर सबसे विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन दैट सबसेक्शन मे प्रेफर एन अपील अंडर पार्ट 3 कि आप अपील में जा सकते हैं और वहां से डिसीजन करा सकते हैं कि जनाब इनको डायरेक्ट किया जाए कि मेरी ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू FTO, ठीक है जी. द बोर्ड मे मेक रूल्स रेगुलेटिंग प्रोसीजर फॉर एक्सपीडिशियस प्रोसेसिंग एंड ऑटोमेटिक पेमेंट ऑफ रिफंड थ्रू सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सिस्टम विद इफेक्ट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड. ये फाइनेंस एक्ट 2020 में आया था जिसपे आपको वो सेंट्रलाइज भी कई दफा कहते थे कि जी हम आपको IBN नंबर दें वहीं से डायरेक्ट. अब आपके पहले वरना आपके पास यहाँ पे चेक बुक्स होती थी, इशू हुई होती थी, वॉचेज होते थे, वो आप स्टैम्प करते थे, उस पर वो ब्रास की एम्बॉसिंग सील लगती थी, फिर आपके वो स्पेसिमेन सिग्नेचर वहाँ पे स्टेट बैंक के पास जाते थे, वो चेक जाता था, डिपॉजिट होता था. अब उन्होंने सारा बोर्ड ने क्या कर दिया कि जी आप सिर्फ हमें ऑर्डर मेंशन करें वहाँ पे पार्टी का, उसका IBN नंबर भेज दें, हम डायरेक्ट अपना गवर्नमेंट ट्रेजरी से उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे आपके ये वॉचर फलाना टमकाना, फिजिकल प्रोसेस डिलीवरी सारा माइनस हो गया आपका. ये तो विद इन सेकेंड हो सकता है, बोर्ड को अगर अभी आप बताएं तो बोर्ड अभी उसी वक्त बैठ के आफ्टर 5 मिनट्स कर दे ठक करके. लेकिन ये चूंकि होलसेल करता है बोर्ड, तो पिछले दिनों जब 5-6 मंथ बैक जब रिफंड होता था वो पूरे पाकिस्तान से कहता था कि जिन लोगों को आपने रिफंड इशू करने हैं उनका डाटा भेजें, वो पूरे पाकिस्तान से डाटा क्लब होता था, वो फिर 2-3 दिन तक डाटा क्लब होता रहता था कि नहीं जी इसका IBN गलत भेज दिया, इसकी आपने बैंक गलत भेज दिया, पार्टी का नाम नहीं मिसमैच हो रहा है, वो सब करते 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 5-10 दिन लग जाते थे, फिर वन फाइन डे वो बटन प्रेस करते थे तो ऑटोमेटिकली सारा जो है ना वो इन सिंगल गो चला जाता है. तो ये तो रियल टाइम में ऑलमोस्ट जो है ना जिस तरह आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं वैसे हो जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज के आपने वो सारे फिगर्स मैचिंग करने होते हैं कि गलत पार्टी को तो नहीं जा रहा. अच्छा जी ये याद रखिएगा ये जस्ट इन द पासिंग, असल जो हमारा लेक्चर है वो तो रिफंड्स पे है कि अगर आप डिलेड रिफंड देते हैं तो उसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट आपको पेनल्टी भी लगाती है जो आपके अगेंस्ट फिर ऑडिट पैरा बन जाता है या आपके अगेंस्ट जो है वो इंक्वायरी भी खुल जाती है कि जी क्यों आपने डिले किया है. वेयर रिफंड ड्यू टू अ टैक्सपेयर इज नॉट पेड विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू. अब ये कौन सी डेट है उसको भी हम नीचे देखते हैं. विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू, विच डेट वो भी हम नीचे देखते हैं. द कमिश्नर शैल पे टू द टैक्सपेयर अ फर्दर अमाउंट बाय वे ऑफ कंपनसेशन एट द रेट ऑफ काइबोर प्लस 0.5% कि आपको फिर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिफंड कंप्यूटेड फॉर द पीरियड कमेंसिंग एट द एंड ऑफ द 3 मंथ पीरियड एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑन विच इट वॉज पेड टिल सच टाइम दैट यू पे टू द टैक्सपेयर, तब तक वो आपका इंटरेस्ट का मीटर इट विल कीप ऑन रनिंग. Provided that where there is reason to believe, एक जगह वो आपको छूट दे देते हैं. Provided that where there is a reason to believe that person has claimed the refund which is not admissible to him, the provision regarding the payment of such additional amount shall not apply till the investigation of the claim is completed and the claim is either accepted or rejected. यानी अगर उसका claim ही ab initio null and void है, FTR का है अपना, तो उसके केस में नहीं आपको ये होगा. यहाँ कोई फ्रॉडलेंट केस है उस केसेस के अंदर आपके लिए गुंजाइश है कि जी वहां पर आपने. अच्छा जी नेक्स्ट, अब वो टाइम कौन सा ड्यू था. फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन रिफंड शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग बिकम ड्यू इन द केस ऑफ अ रिफंड रिक्वायर्ड टू बी मेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एन अपील टू द कमिश्नर अपील. कमिश्नर अपील्स का ऑर्डर हो, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर हो, किसी हाईकोर्ट का ऑर्डर हो, द डेट इज रिसीव्ड, उधर से वो डे नंबर ऑफ डेज काउंट होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है जी, कहां से मेड इन कॉन्सिक्वेंस टू एन अपील टू द कमिश्नर अपील्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच ऑर्डर बाय द कमिश्नर, वहां से वो 3 मंथ्स पीरियड काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा.
इन द केस ऑफ रिफंड रिक्वायर्ड टू बी मेड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवीजन ऑर्डर, अगर टैक्स पेयर ने इन द केस ऑफ रिफंड रिक्वायर्ड टू मेड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवीजन ऑर्डर, 122A का रिवीजन ऑर्डर है, तो जिस दिन वो ऑर्डर बना उस दिन से वो 3 months का पीरियड आपका वो काउंट होगा. इन एनी अदर केस द रिफंड ऑर्डर इज मेड, कमिश्नर साहब ने वहां पे सिस्टम से अगर उनकी पावर है तो उन्होंने पास कर दिया, अगर एडिशनल कमिश्नर की पावर है तो उन्होंने पास कर दिया, या अगर यूनिट ऑफिसर की पावर है तो उसने सिस्टम में पास करके रख दिया, लेकिन उसको वो रिफंड वाउचर नहीं इशू हुआ या बोर्ड वहां पर उसको भेज नहीं सका, तो वहां से जिस दिन आपने रिफंड ऑर्डर शुरू किया वहां से 3 months का पीरियड काउंट होना शुरू हो जाएगा. अगर 3 months के ओवर एंड अबव चला गया, आप भूल गए, सिस्टम में ऑर्डर करके रखा हुआ है, टैक्स पेयर को भी चला गया हुआ है, लेकिन उसको रिफंड वाउचर नहीं मिला या बोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली IBN में उसको ट्रांसफर नहीं कर सका, तो आफ्टर 3 months पीरियड वो मीटर ऑफ वो क्या कहते हैं आपका इंटरेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा काइबर प्लस 0.5% का. फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट वेयर अ रिफंड ऑर्डर इज मेड एन एप्लीकेशन ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 170 फॉर द पर्पस ऑफ कंपनसेशन द रिफंड बिकम्स ड्यू फ्रॉम द डेट रिफंड ऑर्डर इज मेड एंड नॉट फ्रॉम द डेट द असेसमेंट ऑफ इनकम ट्रीटेड टू हैव बीन मेड. इसको उन्होंने कईयों ने ऑन द डेट द रिफंड ऑर्डर इज मेड, टैक्स पेयर ने ये इसका इंटरप्रिटेशन शुरू कर दी कि जी मेरा तो ऑर्डर जो मैंने सेल्फ फाइल किया था उसमें चूंकि रिफंड था, तो चूंकि मेरा असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट है तो 120 जो है वो मेरा असेसमेंट ऑर्डर ही था, तो इट वॉज अ रिफंड ऑर्डर, क्योंकि जिस दिन मैंने फाइल किया तो उस दिन से आप काउंट करें. उसको फिर उन्होंने कैटर किया कि नहीं, ये वो वाला ऑर्डर नहीं है, नॉट फ्रॉम द डेट दैट द असेसमेंट ऑफ इनकम ट्रीटेड टू है, ये डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर नहीं है, ये रिफंड का बकायदा ऑर्डर है, वहां से आपने काउंट करना है, राइट. अच्छा जी, अब हमने ये इसकी जिसके लिए लेक्चर फ्रेम किया गया है कि वेयर द कमीशन इज सेटिस्फाइड, सो हाउ डज द कमिश्नर ड्राइव हिज सेटिस्फेक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू नीड टू लुक इनटू, उसको हम देखते हैं कि जनाब ये सेटिस्फेक्शन आ कहां से रही है आपको कि जी रिफंड ठीक है कि गलत है. तो नंबर वन तो आप ये याद रखिएगा कि ऑल दीज मेजर्स एंड एक्शंस व्हिच आर लिस्टेड बिलो ये एग्जॉस्टिव नहीं है, कंक्लूसिव नहीं है, दीज आर ऑल इंडिकेटिव के एटलीस्ट आपको ये देखने हैं, लेकिन केस टू केस बेसिस के ऊपर यू हैव टू एक्सरसाइज योर कॉमन सेंस, यू हैव टू एक्सरसाइज योर एक्सपीरियंस, यू हैव टू एक्सरसाइज ऑल द सगेसिटी दैट इज अवेलेबल टू यू कि जनाब इस पर्टिकुलर केस में मैं और क्या क्या चेक कर सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो बाय एंड लार्ज आपको देखने होते हैं, लेकिन ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, केस टू केस बेसिस में आपको कुछ और एविडेंस या कुछ और चीजें भी देखनी पड़ सकती हैं, ठीक है जी. अच्छा जी, नंबर वन पहले हम एक सर्कुलर देख लेते हैं कि द इश्यूएंस ऑफ रिफंड इज टू बी पुट टू वेरिफिकेशन प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर नंबर 5 of 2003. अच्छा, उससे पहले सॉरी, स्क्रूटनी ऑफ रिफंड क्लेम, ये याद रखिएगा कि जो स्क्रूटनी ऑफ रिफंड क्लेम है ये आपके स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. वैसे तो इनकम टैक्स साइड पे आपके स्टाफ की, आपके इंस्पेक्टर की कहीं भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, शो कॉज आपके साइन से इशू होता है, यू इशू द शो कॉज, यू फ्रेम द ऑर्डर एंड अल्टीमेटली यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है. किसी स्टेज पे आपके स्टाफ की, इंस्पेक्टर की उस पर सिग्नेचर्स नहीं है. इसी तरह सेल टैक्स साइड में भी आपका ऑडिटर आपको ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट करके देता है, लेकिन इसके बियॉन्ड दैट आपका शो कॉज और ऑर्डर पे आपके साइन होते हैं. तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेकिंग द जेन्युइननेस एंड वेरिफिकेशन लाइज विद द रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स प्रोसेसिंग द क्लेम एंड नॉट विद योर स्टाफ. तो इस चीज में कभी ना रहेगा कि जी मेरा इंस्पेक्टर है या स्टाफ है, इसने चेक कर लिया ठीक है, ठीक ही होगा. अगर खुदा ना खास्ता इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो ही विल नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट. आपकी जिम्मेदारी होगी कि जी आपने गलत रिफंड इशू कर दिया, ठीक है कि नहीं, उसके कहीं सिग्नेचर्स नहीं है. हाँ, आपने अगर कोई सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे कि जी ये चीजें कैलकुलेट करो या फलाना करो और उस पर उसके कोई साइन दिए हुए कि जी इसने कैलकुलेशन दी हुई थी, मैसिव कैलकुलेशन थी, मैं अकेला तो नहीं कर सकता था, सपोर्ट स्टाफ ने और ये उस पर साइन है, तो फिर शायद कोई थोड़ी बहुत आपकी जान बच जाए, लेकिन अदरवाइज इट इज प्राइमरली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये नहीं आप कहेंगे जी मैंने इंस्पेक्टर से लिखवा लिया कि हाँ जी रिफंड ठीक था, और आप कहेंगे जी ये देखिए मेरे पास सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, माय इंस्पेक्टर हैज चेक्ड इट एंड हैज फॉरवर्डेड टू मी कि जी मैंने चेक कर लिया. नहीं, यू आर प्राइमरली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इश्यूएंस ऑफ दिस वन एंड नॉट योर इंस्पेक्टर और योर स्टाफ, ठीक है जी.
अच्छा जी, सर्कुलर 3-5 को जल्दी से चेक कर लिया हम अपना कि क्या है। इसका जूम करने का नहीं है यहाँ पे कोई ऑप्शन? जूम की ऑप्शन होती थी वो नहीं आ रही। अच्छा, अ टैक्सपेयर इज एंटाइटल्ड टू अ रिफंड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ फलाना वेयर द टैक्स पेड इज इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट। In order to claim refund of excess tax, the taxpayer is required under subsection 2 of section 170 to file a refund application in the prescribed manner. Usko bhi hum dekhenge abhi kya hai. Adjustment of refund in accordance with the provisions of section 3, the commissioner on being satisfied that tax has been overpaid shall apply the excess in deduction of any other tax from the taxpayer due under this ordinance, outstanding liability to pay other taxes and the remainder shall be refunded. Limitation of refund order, wo usne 45 days pehle hoti thi, ab 60 डेज हो चुकी भी है। इश्यूएंस ऑफ रिफंड, द कमिश्नर शैल इशू द रिफंड वाउचर विद इन 3 मंथ्स। अब शायद आपको वाउचरों की जरूरत नहीं, अब वो बोर्ड आपका आपके बिहाफ पे ये काम कर रहे हैं अपना। ड्यू डेट ऑफ रिफंड अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2 रिफंड शैल बी ट्रीटेड